हेलो एंड वेलकम बैक। अब प्रैक्टिस सेट 3.3 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहला है 8000, तो इसे हम पहले फैक्टराइज करते हैं। दिस कुड बी रिटन एज 8 × 1000। अब 8 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2³, एंड 1000 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 10³, एंड इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं एज 2 × 10 द होल क्यूब। ना 2 × 10 होता है 20, तो बेसिकली इसकी वैल्यू है 20³। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 20³। अब ये क्यूब कैंसिल हो जाता है क्यूब रूट के साथ और आंसर आ जाता है 20। सो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। नेक्स्ट है 729। लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट क्यूब। नाउ दिस कुड बी रिटन एज 9 × 9 × 9 होता है 729, व्हिच इज इक्वल टू 9³। देयरफॉर हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9³। सो द फाइनल आंसर इज 9। नेक्स्ट नंबर है 343। अब 343 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज 7 × 7 × 7, सो दैट इज 7³। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 343, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज क्यूब रूट ऑफ 7³, एंड क्यूब रूट ऑफ 7³ इज 7। नेक्स्ट वैल्यू है -512। -512 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -8 × -8 × -8। सो दैट इज एक्चुअली -8 का क्यूब। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -512 इज क्यूब रूट ऑफ -8³। तो क्यूब कैंसल्स विद क्यूब रूट एंड द आंसर इज -8। नेक्स्ट नंबर देखते हैं -2744। तो 2744 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, सो 2 1 2 2 3 6, कैरी 1 2 7 14, 2 2 अगेन, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12, देन 2 8 16, कैरी 1 देन 12, तो अगेन 2 6 12, फिर से 2, सो दिस बिकम्स 343। अब 343 परफेक्ट क्यूब है और यहाँ हमें मिल गया 2³। बेसिकली इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2³ × 7³, और वी कुड राइट दिस एज माइनस ऑफ 2 × 7 द होल क्यूब, या फिर ये हो जाता है -14 का क्यूब। ये माइनस को हम अंदर ले सकते हैं एक्चुअली, सो दिस बिकम्स -14 द होल क्यूब। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -14 का क्यूब। तो अगेन क्यूब कैंसल्स विद क्यूब रूट एंड द आंसर इज -14। अब नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 3 2 7 6 8। लेट अस फैक्टराइज दिस 3 2 7 6 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, सपोज वी स्टार्ट विद 2, तो ये हो जाएगा 1 6, देन 2 3 6, 2 8 16, एंड देन 4, अगेन हम 2 से कर लेते हैं, तो 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, फिर से फैक्टराइज करते हैं 2 से, सो 2 4 0, देन 9 एंड देन 6, अगेन 2 ले लेते हैं, देन
2048, फिर से 2 ले लेते हैं तो 1024, अगर 2 लेते हैं तो ये आ जाता है 512। अब यहाँ हम रुक सकते हैं बिकॉज ये 8 क्यूब आ रहा है, परफेक्ट क्यूब आ रहा है और यहाँ पे तीन तीन का ग्रुप बन रहा है। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2, सो बेसिकली ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये भी आता है 8 और ये 512। नाउ 8 को हम लिख सकते हैं एज 2 क्यूब, दिस इज ऑल्सो 2 क्यूब एंड दिस इज 8 क्यूब, तो इसे हम कंबाइन कर सकते हैं एज 2 इंटू 2 इंटू 8 द होल क्यूब विच इज एक्चुअली 32 का क्यूब। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 32 क्यूब, हमारा फाइनल आंसर आता है 32। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई। तो पहला जो टर्म है वो है क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। ना 27 होता है 3 क्यूब, 125 होता है 5 क्यूब, तो इसे हम परफेक्ट क्यूब में लिख सकते हैं। सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 3/5 द होल क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब आ गया अंदर तो क्यूब रूट चला जाएगा। So the answer is 3/5. Next देखते हैं क्यूब रूट ऑफ, अब 16 एंड 54 दोनों परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें फैक्टराइज करें 2 इंटू 8 एंड 2 इंटू 27 तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है और ये दोनों टर्म्स 8 एंड 27 दोनों परफेक्ट क्यूब्स है। देखिए सो यू हैव क्यूब रूट ऑफ दिस इज 2 क्यूब एंड दिस इज 3 क्यूब, सो वी कुड राइट दिस एज, ये हम लिख सकते हैं एज 2/3 द होल क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब आ गया अंदर क्यूब रूट चला जाएगा, द आंसर विल बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया है इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 देन इसका क्यूब रूट क्या होगा। ओके सो वी हैव क्यूब रूट ऑफ 0.123 एंड देन वी हैव 729, इसके डेसिमल प्लेसेस हम रिमूव कर देते हैं तो ये आएगा क्यूब रूट ऑफ, ये आएगा 729 और नीचे आएगा 10 लैक्स, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, सो 6 जीरोस 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों परफेक्ट क्यूब्स हैं, देखिए दोनों के दोनों परफेक्ट क्यूब्स है, ये है 9 का क्यूब और ये है 100 का क्यूब, सो दिस कुड बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 9/100 द होल क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब आ गया अंदर तो क्यूब रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 9/100 which is equal to 0.09।